Hey guys, welcome back to my another video. सामने आपके खड़ी है स्विफ्ट, और स्विफ्ट का ये वो वाला वेरिएंट है जो के भाई एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज के साथ आता है। वेरिएंट की बात करूं तो ये है भाई VXI वेरिएंट, और इसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जिसके लिए आपको करोल बाग भागना पड़ता था। तो भाई अब करोल बाग जाने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी का ये वाला वेरिएंट लो। और भाई आपको भी पता है कंपनी फिटेड के अंदर जो फील आती है ना, वो और किसी गाड़ी के अंदर या फिर आफ्टर मार्केट के अंदर नहीं आती है। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो भाई आपको स्विफ्ट की आइकॉनिक हेडलैम्प मिलेगी, और जो बम्पर है इसका दो पार्ट में स्प्लिट है। बम्पर पे आपको क्रोम की ट्रीटमेंट, सुजुकी का बड़ा सा लोगो, बट इसमें फोक लैंप की कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलती है, जो कि इसके अपर ट्रिम में आपको देखने को मिल जाती है। फेंडर बिल्कुल भाई नीट एंड क्लीन है, कोई इंडिकेटर नहीं है क्योंकि वो शिफ्ट हो चुका है आपके ORVM पे। इसके ORVM आपको बॉडी कलर के अंदर मिलने वाले हैं, और इसके डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर के ही मिलने वाले हैं। ORVM की बात करें तो वो भाई आपके अंदर से फोल्ड नहीं होंगे, लेकिन सेट जरूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। और पीछे से गाड़ी देखने में कुछ इस प्रकार की लगती है, बहुत ही आई कैचिंग है। LED टेल लैंप, स्विफ्ट की बैजिंग मिलती है, ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, और चार पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के तीनों पिलर A, B और C तीनों ब्लैकआउट मिलेंगे, जिससे इस गाड़ी का लुक और भी ज्यादा निखर के आता है। गाड़ी के टायर साइज की बात करूं तो 165/80R14, तो 14 इंच के इसके अंदर आपको टायर मिलने वाले हैं। इन पे आपको व्हील कवर मिलेगा, और इस गाड़ी के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग भी दी गई है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है। बट अब चाबी के डिजाइन को सुजुकी को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये चाबी काफी पुरानी हो चुकी है। ड्राइवर साइड डोर पे आपको क्रोम डोर हैंडल, चारों पावर विंडो, ORVM के कंट्रोल और सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा। सीट की बात करें तो इसकी सीट भाई हाइट एडजस्टेबल है, जो कि काफी बढ़िया है। बड़े बड़े से आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, गाड़ी में डेड पेडल भी आ जाता है। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग इसका भाई डी कट वाला या आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा, जिसपे आपको इन्फोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं। नीचे की तरफ कॉलिंग से रिलेटेड बटन दिए गए हैं, और स्टेयरिंग पे आपको थोड़ा सा सिल्वर एक्सेंट भी देखने को मिल जाएगा, सिल्वर टच देखने को मिल जाएगा, जिससे स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आती है। और ये है कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर आपको बीच में एक छोटी सी MID दी गई है, और जो रेड कलर का एम्बियंस इस मीटर के अंदर आता है टैकोमीटर में, बहुत ही प्यारा लगता है। आपको बीच में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साइड में आपको यहाँ पे ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हेडलाइट लेवलर दिया गया है। यहाँ पे आपको फेदर टच वाला इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको दो स्पीकर मिलने वाले हैं, ऊपर की तरफ AC वेंट है, नीचे की तरफ आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स, 12V का चार्जिंग सॉकेट, USB सॉकेट, दो कप होल्डर, और आपको गियर लीवर। यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया जाता है, और ये AC वेंट के आसपास क्रोम की थोड़ी लाइनिंग दी गई है। ग्लव बॉक्स की बात करें, एडिक्यूट साइज है, अच्छा खासा साइज है, तो इसमें भी आपको कमी नहीं लगने वाली है। और साइड में पैसेंजर साइड डोर कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि LXI से फार बेटर है, और इसमें भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करें तो उसमें आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा, और आपको IRVM मैनुअल मिलेगा, डे नाइट वाला ऑप्शन इसमें मिलेगा, और पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की MID के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स मिलती हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर भाई ओडोमीटर मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस टू MT किलोमीटर पर लीटर एवरेज, और रेंज किलोमीटर पर लीटर, ये इंस्टेंट वाला है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगी, बेसिक सी चीज़ है। पीछे के डोर पे आ जाएं तो इस पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, बट हाँ क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा, पावर विंडो का कंट्रोल, और 1 लीटर का बोतल होल्डर। सीट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, फिक्स हेडरेस्ट आते हैं पीछे की तरफ, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट इसके अंदर आने लगी है। बीच में कोई भी AC का वेंट नहीं है, बट एक बोतल होल्डर आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो अंदर से कुछ एम्बियंस गाड़ी का इस प्रकार का लगता है, स्कूप्ड आउट सीट्स मिल जाती हैं, और सीट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बूट स्पेस की बात करें तो 268 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। एयर टायर की बात करें तो वो भी आपको सेम साइज का ही मिलने वाला है, ब्लैक रिम के साथ, और इसके अंदर जो पीछे का टेल गेट है उसके लिए भी आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दिया गया है, जिसको आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ पूरी इंसुलेशन दे रखी है, पैकिंग कर रखी है, और ये काफ़ी बढ़िया लगा कि इसमें पीछे भी एक बटन दे रखा है, ताकि आप अपना बूट एक्सेस कर सको। सेफ्टी की बात कर लें तो इसमें आगे के दो आपको फ्रंट एयर बैग मिल जाएंगे, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, ESP दिया गया है गाड़ी के अंदर, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, बजर, सीट बेल्ट मिलती हैं सारी सीटों के लिए, इंजन इमोबिलाइजर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, और ऑटो डोर लॉक होता है हाई स्पीड वाला, वो भी मिलता है इसके अंदर। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल जेट ड्यूल VVT इंजन मिलता है, जो कि भाई 1197 cc का BS6 फेज 2 वाला है, जिसके अंदर जो पावर है 89.73 PSK टू बी प्रिसाइज, और 113 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
भाई इसके अंदर आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसे जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है 22 का करती है, बट इंडियन कंडीशन में लोगों ने इससे 28, 30 का माइलेज भी निकाला है स्विफ्ट से पेट्रोल के अंदर। और ब्रेक्स की बात करें, इसके अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक दी गई है। पावर स्टेयरिंग मिलता है इसके अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकली है, हाइड्रोलिक वाला नहीं आता, वो बहुत पहले बंद कर चुकी है कंपनी। टर्निंग रेडियस की बात करें तो 4.8 मीटर का है टर्निंग रेडियस इसका। प्राइस की बात कर लें तो भाई स्विफ्ट के इस वेरिएंट का जो प्राइस है, एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ, 6,95,000 रुपये है। और यहीं मैं बेस मॉडल की बात करूँ तो वो लगभग में 5,95 या 5,99 समथिंग में है, जिसका जो डिफरेंस है 95,000 रुपये का पड़ता है आपको अगर LXi टू VXi स्विच करना है। बट उसके अंदर आपको 95,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके इस गाड़ी के अंदर आपको भाई बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जस्ट लाइक फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता, ORVM को लिए आपको कोई बाहर से छिड़खानी नहीं करानी, बॉडी कलर के ही डोर हैंडल मिल रहे हैं, अंदर आपको चारों पावर विंडो मिल रही हैं, स्टीरियो मिल रहा है, मीटर मिल रहा है अच्छा वाला, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, दोनों फ्रंट की सीटों पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सनवाइजर आपको, टिकट होल्डर और विद वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है, IRVM आपका डे नाइट वाला मिल जाता है। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं इस गाड़ी के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो सकता है आपके लिए जो स्विफ्ट लवर हैं उनके लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये गाड़ी लेनी है या मारुति का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो शोरूम की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहीं करता हूँ वीडियो को एंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।